स्टेसी, डैंग लड़कियों, ये खजाने का पहाड़ देखो, प्लीज खाओ ना, लोगों के लिए खाओ। और एल्सा, अरे वाह, स्वादिष्ट। और चलो भी, इस रॉली गम को सही तरीके से खाने के लिए धन्यवाद। अब एल्सा, चलो, सिर्फ एक पैकेट। क्या यार, काश एल्सा के पास स्टेसी जैसा ढेर होता, वो भी उस असली के साथ बहुत खुश है। ठीक है, जो है उसी में खुश रहते हैं। गम के इस एक टुकड़े से कुछ तो हो सकता होगा। हाँ, ठीक है, रोली, काम चालू है। ये पूरा और फुलाओ। एल्सा नहीं, विश्वास नहीं होता, ये तो गजब है। ये तो स्टेसी पर फट गया, बर्बादी। माफ करना लड़की, वाओ। हेलो प्यारी पिंक प्रिंसेस, सुंदर, अति सुंदर। शायद एल्सा ने तुम पर एहसान ही कर दिया, और उससे भी बढ़िया, ये गजब इलास्टिक है। हाँ बिल्कुल, और वो ये गम लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मजे करो और अगली बार के लिए शुभकामनाएं एल्स धप्पा। क्या दिन था। तीन शब्द, गुलाबी, बबल, फुब्बारा, स्ट्रॉस। हम सीधे कैंडी के समुद्र में कूद रहे हैं। हे भगवान, बबल्स। हाँ तुम्हें पता है, एल्सा एक छोटा फुलाती है। ये क्या है, ठंडी मिंट्स। देखते हैं एल्सा के दिमाग में क्या है। फुब्बारे के अंदर अब ये नीली है, कितना सुंदर रंग। पियो इसे। ओ, ये बर्फीला है। स्टेसी ने कुछ सोचा, दो कोक्स, पता नहीं ये किस लिए हैं। रुको, सीधे फुब्बारे में नहीं, मिंटोस और कोक। ओ, आपने यूट्यूब पर देखा ही है कि इन दोनों का मेल सही नहीं है। ओ तेरी, माफ करना एल्स, चलो तुम्हें साफ करें। और इस फुब्बारे का क्या, इसे अभी के लिए जाने देते हैं, अगली बार बढ़िया होगा। ट्रीट्स प्लीज। वो एक चिड़िया है, नहीं हवाई जहाज है। ये चॉकलेट हुबा हुबा गम है, शानदार। और केक के पास भी बढ़िया है, मतलब जरा उनका साइज तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट। ओ हाँ, प्लीज मिस, एक बाइट। चॉप, बहुत ही गुई। पर क्या ये बबली भी है? ओ हाँ, ये है। उस बब के साइज को तो देखो। ओ, विशाल नाखून, केक पॉप। और अंदर से निकली जादुई क्रिस्टल हैट। बहुत बढ़िया, कैरी को वो अच्छी लगी। बबल फुलाओ और हर पॉप के साथ इनाम पाओ, बिल्कुल सपने जैसा। डिजाइनर चश्मा, प्लीज बार बार करो। एक आईफोन। ठीक है गैरी, हमें देखना होगा कि आखिर ये मैजिक पॉप है क्या। तुम साथ हो, चलो खोलो, हमें देखना होगा कि ये मैजिक पॉप में आखिर होता क्या है। कुछ स्वादिष्ट, आगे बढ़ो। चॉप, आप पूरी ताकत से फूको। केट, मैं तुम्हारी जगह होती तो हट जाती। अरे यार, खैर चॉकलेट हमेशा बढ़िया होती है, तब नहीं जब वो आपके ऊपर हो। चॉकलेट और गम पॉप। ओ हाँ, अब हमारे पास भी है असला बारूद, चलो खाते हैं। उस गम और चौको अंडे को निगल लो। कैरी, दुखी मत हो, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी चौक है। वैसे केट का पॉप अभी भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, लोकेट, तुम और आसानी से पॉप करना चाहते हो, मुझे पता है कि चाहते हो। इसका इस्तेमाल करके लॉली को घुमाओ। ओह, इससे काम हो गया, शुक्रिया कैरी। ओह, ये गम नहीं है दोस्तों, ये केट की जीभ है। ओह नहीं, उसकी जीभ लॉली से चिपक गई। इसे हटाओ। हे भगवान, सब ठीक है, सब ठीक, क्या सच में सब ठीक है? ओ तुम दोनों, जब तक केटी अपनी जीभ ऊपर मोड़ती है, कैरी चौको ट्रीट पर लगती है। इससे बढ़िया कुछ नहीं। और इन सब लेयर्स को तो देखो, क्या
की छोटी कैंडीज कैसी है? वो ये सब फिट कैसे होती है? बिंगो, हथौड़े का समय। फोड़ दो। और खैर, ये तो गंभीर था। केट ने अपने कंचे खो दिए। हे हे, ट्रीट्स, पॉप, मिया के लिए बस एक। गलत है। उफ, बहुत ही स्वादिष्ट दिखता है और लगता है। ओह हाँ, ओह जेस, ये तो सपना सच होने जैसा है। और इतना काफी नहीं है। कैंडी फॉल, वाव, ये तो कमाल है। हम शुरू भी कहाँ से करें? इस पूरी चीज के साथ क्या? ओह नो, ओह जेस, जेस, कैसे पता था? ये हो भी कैसे सकता है? अब क्या? अरे यार, आइडिया। लासो, हे भगवान, टंग फिशिंग, इसे घर पर कोशिश ना करें हाँ? कमाल की जीप, सटीक, चलो दोबारा करें, ठीक है? चौक, क्या तुम मिया के लिए कुछ ला सकते हो? नहीं, ठीक है। हेलो लड़कियों, एक मिनट, उस भारी वाले के लिए तैयार? ये कमाल होने वाला है। ये तो हिल भी नहीं रहा। हे भगवान, तुम ठीक हो जेस? हे हे, देखो, वाव, मिया के लिए गमी टावर, बहुत मीठा। तुम्हें इसे खाने में काफी वक्त लगेगा। बेचारी जेस, मुझे बहुत जलन होगी। ओह, ईयर बबल, हर दिन कुछ नया दिखता है। ओह चलो भी जेस, तुम्हें इस नाक से खुश होना चाहिए। हे भगवान, एक नोज बलून जानवर, तुम ये कैसे कर सकते हो? बुकीज तुम्हारी खरीदारी में शामिल नहीं है। ओह, बेकार, ठीक है। ओह, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? यार, जाने दो। बबल गर्ल, जिसका मतलब ज्यादा से ज्यादा खिंचाव। हे भगवान, मतलब अब हम एक से कैंडी उठा सकते हैं। वाओ, तुम इतनी सारी मिठाइयाँ लाए कहाँ से? विंक विंक, बहुत बढ़िया जेस, पर लगता है कि मिया हमारे ऊपर है। ठीक है, उसे उड़ा दो। ओह नहीं, वो पिघल रही है। बबल गर्ल, नहीं। ओह बेबी, केक केक केक, चॉकलेट एंड गमीज। मैंने ये एक बार कहा है और फिर से कहूंगी, ये दोनों तरह से बढ़िया है। ओ, क्या हुआ केयर? स्क्विश स्क्विश, केक समय बिना बर्बाद किए काम पर लगती है। ये केक खुद को नहीं खाने वाला। क्या हुआ? इसमें एक गम पीस कम है। हमें केक को पूरा तो करना ही है। रुको, टेबल के पीछे के पीस से नहीं। ये तुम्हें भी दिख रहा है, और भी खाली जगह है। नहीं, हमें इसे सही करने के लिए और ज्यादा गम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैरी चैलेंज के लिए तैयार है। ठीक है, उधर किसको तुम तीनों? लगता है हमें अपना केक चोर मिल गया। ओह, जब कैरी वापस लौट के आएगी वो खुश नहीं होगी। अरे यार, ओह, कम से कम तुम्हारे पास पहले से चबाई हुई गम की बॉल तो है। सेकंड हैंड, अगर कहो तो। कर्मा तो खैर, केट जानती है। गमी गम, चलो लड़कियों, मजा आने वाला है। सारे बबल्स के बारे में सोचो। ठीक है, कैंडी खाने का समय। ओह हाँ, बिल्कुल सही। चलो टी, कितना स्वादिष्ट और पिंक। हाँ प्लीज, मुझे और चाहिए।
जेली के पास रहस्यमय स्वाद है, कौन सा है? वाओ, आइसक्रीम फ्लेवर, कमाल। ट्रेसी चखना चाहती है, प्लीज मान जाओ के मुझे चाहिए। केली मना कर देती है। अदला बदली, मान जाओ। चलो ठीक है, हम कर सकते हैं। एक के लिए सब और सब के लिए एक। मजे करो ट्रेसी, उम्मीद है ये अपनी कीमत के लायक होगा। ची, ट्रेसी का फ्लेवर मछली निकला। और सोचो तो, उसने अपनी सारी कैंडीज दे दी। बहुत गलत, अजीब है। केली वाले का स्वाद आम है, शायद बेकार बैच आ गया होगा। अरे, इसका स्वाद तो पुराने जूते जैसा है। नहीं, केली कहती है कि शरारत नहीं, पर जो गया सो गया। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, चलो इसे ब्लूपर्स के साथ निपटाते हैं। और सब्सक्राइब करना और घंटी को बजाना नहीं भूलना। अलविदा।